गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं मैट्रिक्स का। जी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका मैंने उन सबका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने का मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। तो चलिए आज हम मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जी, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2019 का, ये मैट्रिक्स दे रखा है बराबर 7214, है ना। तो हम किस तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे वो देखेंगे जी। सबसे पहले आप किसी मैट्रिक्स को देखें और जब वो इक्वल है ना तो उसके लिए हम फोकस करेंगे कि ये मेरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम है या नहीं। देखिए ये एक रो है ना, ये दूसरा रो, टू दो रो हो गया, ऑर्डर पहले लिख लेंगे टू इन टू। अब देखिए एक रो ये, सॉरी एक कॉलम ये दूसरा कॉलम है ना, तो ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। इधर इधर भी देख लेते हैं, एक रो है ना दूसरा रो, टू इन टू, एक कॉलम दो कॉलम है ना, टू कॉलम, तो 2x2 का मैट्रिक्स है जी। और जब 2x2 का मैट्रिक्स रहता है ना तो एलिमेंट का एलिमेंट जो है ना आपस में बराबर लिखे जा सकते हैं। पहला एलिमेंट का पोजीशन पहले एलिमेंट के पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट के बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए 2x + y = हम लिख सकते हैं 7 है ना, इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए मुझे x और y की वैल्यू निकालना है तो मुझे x और y को पर फोकस करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है तो आप इसे लिख दीजिए x - 2y = देखिए है ना, ये लास्ट का पॉइंट है तो लास्ट के बराबर होगा जी, कितने हो जाएंगे 4, इक्वेशन नंबर 2। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से सॉल्व करें, x का जितना भी नंबर है ना 2 है ना, तो इसमें 2 से गुणा कर दें, x का यहाँ 1 है तो 1 से, है ना। ये सबसे बहुत ही इजी मेथड है जी इस तरह से बनाने का। तो जब गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा है ना, 2x + y = 7। और इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, 2x - कितना हो जाएगा 4y = 8, ठीक है। चलिए प्लस है जी, प्लस का तो यहाँ क्या होगा माइनस, साइन चेंज कर देंगे, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए अब ये नीचे वाला माइनस क्यों आ गया है, ठीक है, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x कट जाएगा जी, ये प्लस का वाई, ये प्लस का 4y, कितने हो जाएंगे दोस्तों 5y = 7, में से 8 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे -1, यानी वाई का वैल्यू आपका मिलेगा -1/5, ठीक है। ये आपका वैल्यू मिला, मुझे एक्स का भी चाहिए तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 है ना, फर्स्ट में इक्वेशन में रख देंगे जी, पुट कर देंगे। तो चलिए क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, 2x ठीक है प्लस प्लस y का वैल्यू क्या है -1/5 = कितने हैं 7, 7 लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से बनाएंगे जी। ये क्या -1/5 है यहाँ पे है ना, -1/5 हो जाएगा जी, = 7। तो 2x = कितना हो जाएगा जी 7, ये माइनस जो इधर जाएगा तो +1/5, 2x = इसे आप एलसीएम ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 35 और +1 है ना 36 हो जाएंगे / 5, ठीक है। तो 2x = कितने मिलेंगे 36/5 था जी, और ये दो फिर से बटे में आ जाएंगे 2, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 18, तो आपको मिलेगा 18/5 है ना। तो x का वैल्यू आपका ये आंसर हो गया जी, और y का जो वैल्यू है यहाँ है ना ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये 2019 का पूछा गया था। नेक्स्ट करेंगे जी 2018 का क्वेश्चन है जी, लिख रखा है कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स है ना, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जी, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट जो है वो इस रूप में लिखा है aij = 2i + j का फॉर्म में होना चाहिए एलिमेंट है ना। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, फोकस करिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन पे है ना, कि कितना ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स बनाना है। 2x3 कहने का मकसद है कि मेरे पास दो रो होंगे ठीक है और कॉलम 3 है, 1, 2, 3 इस तरह से है ना। तो हम देखिए लेट करते हैं, लेट a = एलिमेंट मानते हैं 1, 1, 1, 2 है ना 1, 3, देखिए लास्ट यहां कितना तक है जी 3, तो 3 तक जाएंगे ठीक है ना।
फिर आपके पास यहां रो है दो, तो एक रो हो चुका है, दूसरा रो में चलते हैं, 2 1 2 2 2 3, ठीक है ना। तो ये आपका मैट्रिक्स बन चुका है, लेकिन मैट्रिक्स बोल रहे कंस्ट्रक्शन तो आप इस तरह करिए, लेकिन जो उसका एलिमेंट होना चाहिए ना, मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट जो होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी ए आई जे, है ना। तो कितना लिखता है, 2 into i का वैल्यू देखिए, i है तो i लिखता है, प्लस j, है ना, जो j है सो j लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिखेंगे सिंस ए आई जो लिखा हुआ है दिया है क्वेश्चन 2i प्लस j, है ना, तो हम सभी एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे। देखिए जैसे 1 1 निकालते हैं दोस्तों, यहां पर देखो, देखिए तो i का वैल्यू 1 है, है ना, केयर ध्यान दीजिए, पहला i ने बोला गया, दूसरा j है ना, तो यहां बैठा दीजिए 2 into i का वैल्यू 1 प्लस j का वैल्यू भी 1, कितने हो जाएंगे जी, है ना, 2 into 2 और प्लस 1 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से एलिमेंट को निकालेंगे 1 2 का, इसी बैठाते चलेंगे, है ना, 2 into i का वैल्यू, यानी i का वैल्यू 1 है प्लस j का वैल्यू 2, तो कितने हो जाएंगे 4, है ना, फटाफट इसका कर लेते हैं 1 3 का सेम टू सेम, 2 into 1 प्लस 3 5 आ जाएंगे जी, 8 2 1, तो यहां पर देखिए 2 into i यानी 2 into 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5। नेक्स्ट है 8 2 2, 2 into 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 2 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, है ना, 8 2 3, लास्ट का देखिए 8 2 3, है ना, उसके निकाल लेते हैं, तो 2 into 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 2 2 4 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 7, है ना। तो फाइनल जो मुझे आंसर लिखना होगा जी, वो लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर, देखिए दोस्तों यहां 1 1 था ना, तो इस जितने सबका एलिमेंट का वैल्यू निकला है ना, उसकी जगह पे पुट कर दीजिए, तो 1 1 का कितना है दोस्तों 3, उसके बाद 4, है ना, उसके बाद 5, है ना, अपने स्थान का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। 2 1 का कितना है 5, उसके बाद 6, है ना, 7, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है जी, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, है ना, 2x2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखिए ए बराबर दे रखा है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट जो होना चाहिए वो आई जे में होना चाहिए, और यहां पर मैट्रिक्स का फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट का देखिए यहां पर कंडीशन अलग से दे दिया, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे लिख रखा है, तो सिंपल है दोस्तों, है ना। अभी जस्ट मैंने बोला था कि सबसे पहले आप फोकस करिए कंस्ट्रक्शन पे, कि मुझे कितना ऑर्डर का बनाना है, 2x2 यानी 2 रो होना चाहिए और 2 ही कॉलम आना चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2, देखिए एक रो दो रो, दो रो हो गया, है ना, उसके बाद कॉलम 1 2, दो ही कॉलम आते हैं। चलिए सिंस दे रखा है एलिमेंट का कंडीशन आई अपॉन जे, यानी आई का वैल्यू बटा जे का वैल्यू, तो सबका वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, 1 1 का तो 1 अपॉन 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों 1, 1 2 का 1/2, है ना, ए फिर उसके बाद 2 1, तो 2 1, आई लिखा जाता है पहला आई, है ना, तो आई यहां पे कितना 2, 2/1 कितने हो जाएंगे 2, है ना, 2 2 तो ये मेरे हो जाएंगे 2/2 कर जाएंगे 1, तो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स बनेगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या बनेंगे, 1 1 का वैल्यू कितना आया था 1, बैठा दीजिए वैल्यू लिख दीजिए, ए 1 2 तो 1 2 का 1/2, सेकेंड है 2 1, 2 1 का वैल्यू 2 और 2 2 का 1, ये आपका फाइनल 1 मार्क्स आ जाएंगे जी, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन अगर दूसरा टाइप मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन दे दिया तो आप बना देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का, देखिए बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ज्ञात करें, है ना, मान ज्ञात करें एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड का फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख रखा है यानी मैट्रिक्स में ही दे रखा है। तो दोस्तों बनाने के लिए मैं सिंपल सा मेथड बता दूं, सबसे पहले ये देखा करेंगे कि कौन सा वैल्यू जो है ना आसानी से निकल जाता है। देखिए यहां पर x प्लस वाई है, उसके बराबर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं 5 प्लस जेड, उसके बराबर भी 5 लिख सकते हैं ना, ये 2 2 है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो डायरेक्ट आप वाई का वैल्यू 4 लिख सकते हैं ना, है ना, बोलेंगे हेयर वाई इज इक्वल टू 4,
है ना, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर सेम है ना ऑर्डर, तो आप एलिमेंट का पोजिशन है इक्वल होते हैं, है ना, लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका जो है एक्स वाई जेड में आपका वाई निकल चुका है, एक्स और जेड को निकालना है, तो चलिए हम लिखते हैं सिंस एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं सिक्स, है ना, बराबर सिक्स लिख सकते हैं, जो वैल्यू जान रहे लिख दीजिए बाबू, एक्स प्लस वाई का वैल्यू फोर इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, फोर इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, तो टू बचेंगे जी, है ना, डायरेक्ट में लिख दिया हूं, ये आपका वैल्यू यहां मिल गया। आप ऐसा कर दें, एंड मुझे जेड चाहिए, है ना, जेड का वैल्यू, तो देखिए तो फाइव प्लस जेड बराबर कितने लिख सकते हैं, है ना, यहां का एलिमेंट, तो इसके यहां के एलिमेंट के बराबर हो जाएंगे पांच, तो जेड इज इक्वल टू फाइव है, इधर फाइव तो था, माइनस फाइव आ जाएगा जी, तो जेड इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे जीरो, है ना, तो आपका वैल्यू ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2015, है ना, कंस्ट्रक्ट करना है 3x2 मैट्रिक्स हुज आईथ, है ना, आई और जेथ जो एलिमेंट जो है वो कितना दे रखा है, आई ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड आई माइनस 3j, ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए टारगेट करिए किसको, 3x2 मैट्रिक्स बनाने का, लेट ए इज इक्वल टू a11 a12, देखिए लास्ट में 2 है ना, तो 2 ही तक रोक लें, यहां पर तीन रो है, एक दो तीन आना चाहिए, लेकिन कॉलम कितना, दो, तो एक दो, है ना, बढ़े नहीं आगे दोस्तों, तो चलिए a21 a22 a31 a32, थोड़ा सा, है ना, ऐसा लिखना चाहिए था। चलिए और एलिमेंट दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3j, तो फर्स्ट एलिमेंट को बिठाते हैं जी, 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1/2 का 1/2 आई, यहां पे कितना है दोस्तों, आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू जे है, तो जे का वैल्यू यहां पे 1 बाय टू, और 1 में से 3 कट जाएंगे, 3 हो जाएगा 3, हाँ, तो 1 में से 3 कटेंगे तो माइनस 2, और अब सभी जानते हैं 1/2 का 1/2 मोड में, है ना, ये मोड है, मोड में जब भी जो वैल्यू होता है ना वो पॉजिटिव ही होता है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है ना, इसे अगर बाहर निकालेंगे ना, तो पॉजिटिव हो तो पर भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव ही देगा, तो इनटू कितना आ जाएगा जी, 2, ऐसे बाहर आएगा तो 2 कट जाएंगे, कितने मिलेंगे 1, है ना, याद रखेंगे इस चीज को, 1 2 को, चलिए नेक्स्ट 1 2 इसी वैल्यू पे, इसमें बैठाएंगे 1/2 1 माइनस 3 इंटू, है ना, 2 कितने हो जाएंगे, 5 आएंगे, है ना, 1/2 इंटू 5, यानी कि आप लिख सकते हैं 5/2। नेक्स्ट है a21 1/2, है ना, 2 माइनस 3 इंटू 1, दोस्तों आराम से बैठा सकते हैं, 1/2, है ना, 1 में से 3 कटेंगे कितने बचेंगे, माइनस 1, और यहां मोड में है तो यहां पर ही 1 आएगा, तो 1/2। a22 1/2, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 1/2, 6 हो जाएंगे ना ये, और 2 में से 6 कटेंगे तो -4, और रूट में ये मोड में है तो कितने हो गए 4, है ना, +4 निकलेगा, तो 2 से कट जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 2, यहां पे मैं साइड में कर दूं, a31 सेम, है ना, ये इसी पे बैठाएंगे, 1/2 कितना हो जाएगा यहां पे, 3 माइनस 3 इंटू 1, आई और जे को अच्छा से देख ले, है ना, 1/2, तो ये कितने हो जाएंगे 0, है ना, 0 आएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, a32, तो 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, 1/2 यहां से सबस्ट्रैक्ट होकर कितने आएंगे, -3, है ना, और -3 का मोड 3 ही आएगा, यानी कि 3/2, फाइनल रिक्वायर्ड आंसर लिखते हैं, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स में लिख दे रहा हूं, इस तरह मैट्रिक्स का साइन होगा, कितना वैल्यू था जी, a11, है ना, a11 का वैल्यू 1, तो लिख देते हैं 1, फिर a12, है ना, a12 का 5/2, a21 1/2, और फिर a22 का 2 आया था, 2 लिख देंगे, a31 का 0 और 3/2 का 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, लिख रखा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट जो है आई कॉमा जे, है ना, एलिमेंट जो आई एथ रो और जेथ कॉलम बोलते हैं, है ना, टीएथ है, एलिमेंट इज गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 2i-j/3, है ना। तो दोस्तों मैं इसे नहीं बना रहा हूं, इसे आप बनाएंगे, क्योंकि मैंने जस्ट लाइक इस तरह से एक दो क्वेश्चन बनाए हैं, है ना, तो ये आप बना सकते हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बना देंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं 2013 का, है ना, 2013 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए ये ब्रैकेट लगाया है ना, मैट्रिक्स का दूसरा नोटेशन ये भी होता है, ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं 2x = 6, x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 6/2, है ना, तो 3 आ जाएगा, x बराबर मेरे 3 मिल गया, आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह। एंड उसके बाद एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2, बिल्कुल 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू जान रहे वो लिख दीजिए, एक्स का वैल्यू कितना 3 + y = 2, y इज इक्वल टू 2, ये माइनस हो जाएगा इधर 3, y इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। 2014 का जो क्वेश्चन है वो बना लेंगे, और इसका आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने बनाया या नहीं बनाया, ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2012, है ना, 2012 का 2011 दोनों क्वेश्चन, दोनों साल में यही क्वेश्चन पूछा गया था जी, है ना, तो इसका क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हम फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के बराबर लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x/3 + 1 = 5/3, तो नंबर को पहले दूसरे साइड कर दीजिए, 5/3 ये -1 हो जाएगा दोस्तों, x/3 = 5, यहाँ 3 एलसीएम आएंगे, 3 और 5 में से 3 कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 2/3, 3 कट जाएगा जी, x = 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंड, है ना, सेकंड इसका ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरे वाला मैट्रिक्स में y-2/3 = कितने 1/3, तो y = क्या हो जाएगा, ये माइनस वाले दूसरे साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, है ना, 1/3 + 2/3, एलसीएम दोस्तों 3 ही आएगा, है ना, तो 1 + 2 बनेंगे, तो 3 आ जाएंगे, कट जाएंगे 1, यानी कि y का वैल्यू कितना 1, है ना, तो ये आपका आंसर इस तरह हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ना तो प्लीज ना छोड़ेंगे, क्वेश्चन आप बना देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बनाएंगे। 2010 का क्वेश्चन है जी, देखिए a = दे रखा है 3, 1, 4, 1, फाइंड ए इनवर्स। देखिए अगर ये बड़ा सा क्वेश्चन देता तो 6 मार्क्स मिलता, लेकिन यहां पर देखिए एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है जी, फाइंड ए इनवर्स, है ना, इनवर्स निकालने के लिए माइनर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर, एडजॉइंट, बहुत सारे प्रोसेस उसमें जाने पड़ते हैं। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि ए बराबर इतना दिया, डायरेक्ट बताओ ए इनवर्स कितना निकलेगा, तो मैं ऐसा शॉर्टकट बनाने का आपको बता देता हूं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो दोस्तों। क्या करना है, ए इनवर्स बराबर देखो कैसे लिखना है, चाहे ये नंबर ले लें या दूसरा कोई ले लेंगे, ठीक है ना, सबके लिए मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूं। नंबर जो है ना यहां वाले को इंटरचेंज कर देना है, यहां वाले को यहां लिख देना है, ठीक है, दूसरे अगर नंबर रहेगा ना फिर भी सब में चलेगा, ये दो टू ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में जो इनवर्स बताने का प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है, यह नंबर यहां करना है, दूसरे कॉर्नर जो है ना डायगोनल जो है उसको इंटरचेंज करना है, और दूसरे वाले ये है ना इसे वही रखना है लेकिन माइनस में लिखने हैं, है ना, क्या करने माइनस में लिखने, तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है, ये कर दिया मैंने, सिंपल सा प्रोसेस बताया मैंने, लिख दिए। अब दूसरी बात है ना, आप इसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो दोस्तों कितना आता है 3, 1 = 3, है ना, ये साइड में कर लेता हूं, माइनस करना है 4, 1 = 4, है ना, तो कितने आ जाएंगे 4, तो 3 में से 4 कटेंगे कितने आएंगे -1, तो इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, ऐसा जो भी नंबर रहेगा उसको आप लगा देंगे, ठीक है ना, जैसे मान लो सपोज यहां पर 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रहेगा, तो यहां पर माइनस है तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा -1 + 1, ये 4, है ना, -3, देखिए डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपको यही बोल रहा है कि बताइए इनवर्स कितना निकलेगा, और नहीं तो मैं मेथड सिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में मैट्रिक्स में, है ना, मैट्रिक्स को मैंने पढ़ाया है जी, ठीक है दोस्तों। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें दोस्तों, शेयर उन दोस्तों के साथ करें जो पढ़ने वाले दोस्त हैं आपके, है ना, कि उनको भी मिले तो बोले कि हाँ दोस्त अच्छा मटेरियल भेजा था तूने, ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।